जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ये जो चार आइकॉनिक इमेजेस हमें मिली हैं, इनको समझने के लिए कितनी बेसिक फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है, क्या एक नॉर्मल इंक्विजिटिव बच्चा जो अभी 11वीं 12वीं में अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में, क्या वो इन इमेजेस को पढ़ सकता है? अगर पढ़ना चाहे तो उसको इस इमेजेस को कैसे पढ़ना होगा? आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। दोस्तों कहते हैं ना, एन इमेज इज वर्थ 1000 वर्ड्स, लेकिन अगर एक एस्ट्रोनॉमर से बात करी जाए तो बोलेगा स्पेक्ट्रम इज वर्थ 1000 इमेजेस। ये जो हम पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये है वास्प 96b, अपने से 1120 लाइट ईयर दूर एक गैसियस जायंट, हाफ द मास ऑफ जुपिटर, जो अपने स्टार जैसे हमारा सन है वैसे इस प्लेनेट का जो स्टार है जिसका सन है उसके इतनी पास घूमता है कि इसका टेम्परेचर है 537 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो पूरा ऑर्बिटल पीरियड है वो 3.5 से 4 दिन का है। यानी यहाँ पे एक जो बेसिक सवाल पूछा जाए कि पानी मिल सकता है क्या, तो बोलेंगे लोग कि नहीं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन काफ़ी लंबे समय से इसने, वास्प 96b ने एस्ट्रोनॉमर्स को, रिसर्चर्स को काफ़ी कंफ्यूज किया हुआ था, क्योंकि कभी कभी ऐसे सिग्नल आ रहे थे कि शायद यहाँ पे पानी हो सकता है। लेकिन इन सारी स्पेकुलेशंस को एक स्पेक्ट्रम ने, दैट इज़ वर्थ 1000 इमेजेस, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से शांत कर दिया है। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिली फर्स्ट 4 इमेजेस की, कि कैसे एज अ कॉमन मैन, एज अ नॉर्मल पर्सन जो कि इन सारी चीज़ों से काफ़ी फैसिनेट हो चुका है, बार बार इनके बारे में सुनकर और पढ़कर इन इमेजेस को समझना चाहता है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्पेक्ट्रम। इसके अंदर तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे है अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक्ड, और इधर वेवलेंथ ऑफ लाइट दी हुई है माइक्रोन्स में। मतलब क्या है स्पेक्ट्रम का, इससे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे? लेट्स गो टू द क्लास 11th केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट फंड, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है भाई, एक सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल के थ्रू मैं कुछ लाइट को पास करता हूँ, जब मैं लाइट को पास करता हूँ तो वो जो सैंपल है अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ वेवलेंथ को जाने देगा। जिन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा वो वेवलेंथ गायब हो जाएंगी, राइट? दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब उसी सैंपल को अगर मैं साइड में रख दूं तो वो जो एक्साइटेड स्टेट में सैंपल है, जब उसकी वही जो इलेक्ट्रॉन्स है जो हायर एनर्जी स्टेट में गए हैं, जब वो वापस नीचे आएंगे तो वो कुछ एनर्जी को रेडिएट आउट करेंगे, कुछ रेडिएशन छोड़ेंगे। अगर मैं उस रेडिएशन को पढ़ूंगा दैट विल बी इमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो वेस्ट 96b है उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को पढ़ा, तभी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक्ड। मतलब मान लो कि मेरे पास एक सन है, लेट मी गेट अ सन, मैं एक सन को लेके आता हूँ, राइट? सो लेट्स से वी हैव अ सन, तो ये हमारे पास एक सन है, राइट? ये जो सन है इसके सामने मैं एक गैसियस जायंट को रखता हूँ। आई डोंट हैव अ गैसियस जायंट, तो लेट्स अज्यूम माय फीस्ट इज अ गैसियस जायंट। ये गैसियस जायंट जब सन के आगे से निकलेगा तो सन की जो रोशनी आ रही है वो इस गैसियस जायंट पे पड़ेगी। अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है दूर, जैसे अपना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जो रोशनी, जो एनर्जी इधर से, जो रेडिएशन इधर से आ रहा है, जो इस गैसियस जायंट पे गिरेगा, तो इसका जो एटमॉस्फेयर है उसके थ्रू वो रेडिएशन पास होगा। वो जो रेडिएशन पास होगा तो अगर इसके एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो जब मैं, मेरा ऑब्जर्वर है जो मेरा यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर है जो उसके स्पेक्ट्रम को रीड करेगा, उसको कुछ वेवलेंथ मिसिंग मिलेगी। सेम थिंग वॉज डन बाय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो इस रेडिएशन को, ये जो रेडिएशन 96b, वास्प 96b के थ्रू पास होकर जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने उस रेडिएशन को रीड करा, तो इट वॉज फाउंड कि पर्टिकुलर वेवलेंथ जो कि कोरस्पोंड करती है उस रीजन से जिस रीजन को वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो मिसिंग थी। एंड इट वॉज अ वेरी क्लियर कट केस कि जो वास्प 96b है उसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर इज प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर जो तुमको स्पेक्ट्रम दिख रहा है वो यही बता रहा है। एंड इसने काफी सवालों को
काफी जो क्वेश्चंस थे, इट जस्ट सिंपली पुट एन एंड टू ऑल दो स्पेकुलेशंस कि भाई यहाँ पे पानी है या नहीं है. सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट वॉज प्रोवाइडेड बाय आर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इमेज. जो नेक्स्ट इमेज है यहाँ पे मेरे पास है सदर्न रिंग प्लेनेटरी नेबुला. देखो दोस्तों, नेबुला क्या चीज है? नेबुला जो है वो है कि खूब सारी डस्ट, गैसेस, खूब सारी चीजें जब इकट्ठा स्पेस में हो जाती है तो उसको नेबुला कहते हैं. अब नेबुला दो पार्ट में हो सकता है, या तो नेबुला बनेगा जब कोई स्टार मर रहा हो और वो खूब सारी गैसेस को रिलीज कर रहा हो, या फिर नेबुला को बोला जाता है ये वो पार्ट है जहां पे स्टार मेकिंग फैक्ट्री का सेटअप होता है. इस केस में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं. ये जो नेबुला है, इस नेबुला में दो स्टार्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस इमेज को देखूं तो आई कांट टेल वेयर द अदर स्टार इज. सेंटर पे मुझे एक बड़ा ही ब्राइट सा स्टार मिल रहा है और चारों तरफ मुझे जो है डस्ट वगैरह दिख रही है. ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मुझे कुछ एक लाइन, एक आर्क दिख रही है. दैट माइट बी सम गैलेक्सी क्लस्टर जो कहीं दूर पीछे छुपा हुआ है, जो मुझे यहाँ पे दिखने लग गया है, जिसको हो सकता है बाकी इमेजेस में जो है डस्ट के जो क्लाउड है उसने उसको छुपा लिया हो. द सेम थिंग इज अवेलेबल हेयर ऑल्सो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है. लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत ही बढ़िया चीज मुझे दिख रही है वो ये है कि आई कैन सी हेयर देर आर टू ब्राइट स्पॉट्स. एक ज्यादा ब्राइट है और एक थोड़ा डल है. जो डल है वो डाइंग स्टार है और जो ज्यादा ब्राइट है वो एक यंग स्टार है. यानी ये जो पूरा फिनोमेना हो रहा है, ये जो नेबुला है इसमें कोई प्लेनेट नहीं है. तो आई डोंट नो वाई द नेम प्लेनेटरी इज देयर, बिकॉज ये तो मिसनोमर हो गया. देर इज नो प्लेनेट इन्वॉल्व इन दिस नेबुला. और इस नेबुला में एक स्टार मर रहा है, यानी फर्स्ट टाइम एक्चुअली वी कैन से कि हम एक मरते हुए स्टार की फोटो खींच रहे हैं. यहां पे मान सकते हैं कि ये जो डल स्टार है ये व्हाइट ड्वार्फ टाइप का एक फॉर्मेशन करने वाला है. एंड दिस प्रोसेस इज वेरी ह्यूज, क्योंकि यहां पे जो अलग अलग रिंग्स हमें दिख रही हैं, ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइम पे जो डस्ट का बर्स्ट हुआ है फ्रॉम दिस डाइंग स्टार, वो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से फैला हुआ है जो हमें दिख रहा है. राइट, सो इन दिस इमेज, इफ आई हैव टू रीड दिस इमेज, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा कि यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर आई हैव टू स्टार्स. एक डल स्टार है जो कि डाइंग है, जिसके कारण ये डस्ट क्लाउड है. तो इन दिस सदर्न रिंग प्लेनेटरी नेबुला देर इज नो प्लैनेट इन्वॉल्व, देर आर टू स्टार्स. एक डाइंग स्टार है और जो दूसरा स्टार है वो रिलेटिवली यंग है. एंड ये जो तुम्हें बिखराव दिख रहा है ये है इस डाइंग स्टार से जो बस्ट आउट हो रही है वो डस्ट. अब ये जो डस्ट है ये क्या होती है? अब यहाँ पे अगर अपन आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज, तो यहाँ पे भी ये जो तुम्हें दिख रही है ये भी डस्ट है. ठीक है, ये जो है ये है कैरिना नेबुला. दिस इज कैरिना नेबुला. अब ये भी डस्ट है, तो सबसे पहला सवाल तो आ जाएगा दोस्तों कि ये डस्ट क्या चीज है? व्हाट इज डस्ट? क्या मिट्टी जैसी होती है? तो एक्चुअली जो कॉस्मिक डस्ट जिसमें कहते हैं, या स्टेलर डस्ट जिससे को हम कहते हैं, इट इज मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम या फिर हैवियर एलिमेंट्स, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, आयरन भी हो सकता है. तो जब मैं डस्ट की बात कर रहा हूं तो डस्ट क्या? आउटबर्स्ट फ्रॉम अ स्टार. तो जब एक स्टार मरता है तो वो बहुत सारी चीजें बाहर फेंकता है. यहां पे ये जो नेबुला है, कैरिना नेबुला, ये बहुत बड़ा है. इट्स ह्यूज, दिस नेबुला इज वेरी बिग. ये इतना बड़ा है कि इसमें जो हाईएस्ट पीक हमें दिख रही है ये तकरीबन 7 light years की लेंथ की है. यानी इसकी जो साइज है वो 7 light years है. अब इसको थोड़ा सा रीड करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है. सो व्हाई वी हैव दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, और अगर तुम क्लोजली देखोगे तो तुमको यहाँ पे लगेगा कि कुछ इवेपोरेट हो रहा है, जैसे कोई स्टीम बाहर निकल रही है. यानी जैसे कि बहुत गर्म हो और उस गर्मी से यहां से स्टीम बाहर निकल रही हो. एक्चुअली जो स्टीम बाहर निकल रही है ये आयोनाइज्ड गैसेज हैं. इनको आयोनाइज कर कौन रहा है? इनको आयोनाइज कर रहे हैं जो रिसेंटली फॉर्म्ड स्टार्स हैं, उनका जो भयंकर हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो वो मार रहे हैं, उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये जो नेबुला का डस्ट क्लाउड है या गैस क्लाउड है, इसके अंदर से गैसेस आयोनाइज होके बाहर निकल रही है, जो हमें यहां पे वेपर या स्टीम की फॉर्म में दिख रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे स्टीम बाहर निकल रही है, बट दैट्स नॉट स्टीम एक्चुअली. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इसकी जो शेप तुम्हें दिख रही है, जैसे यहाँ पे पिलर के जैसा बना हुआ है, कई बार वर्ड यूज करते हैं पिलर्स ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको. वाई हो क्या रहा है कि इतनी ज्यादा एनर्जी के रेडिएशन इस पे, थ्रस्ट इस पे गिर रहा है कि ये जो गैसियस या डस्ट क्लाउड है, इसमें जहां पे ज्यादा रेडिएशन गिरा
वहां से वो जो डस्ट है उसको इट took अवे, इट withered अवे, द डस्ट withered अवे विद दैट हैवी एनर्जी रेडिएशन. तो जो बच गए वो पिलर के जैसे रह गए, वो जो विदर अवे हो गए, जो हट गए, वहां पे हमें थोड़ी सी एक शेप दिख रही है. सो दैट्स वाई वी गेट दिस काइंड ऑफ कंटूर. हमें ये जो कंटूर जो दिख रहा है वो इसके लिए दिख रहा है. अब इस पर्टिकुलर इमेज को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि जब इसको हबल के थ्रू देखा गया था तो जो नीचे इतने सारे स्टार्स हमें दिख रहे हैं दे वर नॉट विजिबल. व्हाई? बिकॉज दीज आर ओनली विजिबल फॉर इंफ्रारेड. आइदर वी हैव मिड रेंज और नियर इंफ्रारेड, तभी हम इन स्टार्स को देख सकते हैं जो कि इस डस्ट क्लाउड के पीछे हैं. बाकी दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट विजिबल इन विजिबल रेंज और हाई एनर्जी रेंज, क्योंकि उसको ये सब छुपा देते हैं. सो एग्जैक्टली वॉट वी आर लुकिंग एट हेयर इज दिस इज अ फैक्ट्री जहाँ पे नए स्टार्स बनेंगे. एंड इसको क्लोजली ऑब्जर्व करा जाए तो विद द हेल्प ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वी कैन लिटरली, जिस तरीके से इस इमेज में वी कैन लिटरली रीड अ डाइंग स्टार, इन दिस इमेज वी कैन लिटरली स्टडी बर्थ ऑफ अ स्टार. राइट? तो ये है हमारा कैरिना नेबुला जिसकी बात हो रही है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज जो हमने देखी है वो है ये, एंड इट्स कॉल्ड स्टीफन क्विंटेट. अब इसके अंदर जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे दो हैं, एक इधर है, एक इधर और एक इधर है, पांच कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से ये जो ऊपर वाला ये वाला जो पेयर है ये जो है ये हमसे काफ़ी दूर है, और ये वाली जो सेट है, ये वाला जो गैलेक्सी है, ये क्लस्टर जो है ये काफ़ी रिलेटिवली पास में है. अब इसको मैं कैसे रीड करूंगा? व्हाट शुड आई रीड इन दिस पर्टिकुलर इमेज? तो क्या क्या रीड कर सकते हैं? देखो, यहां पे मैं देखूं तो यहां पे कुछ कोलिजन टाइप हो रहा है. ठीक है, वो जो कोलिजन हुआ है उससे एक मैसिव शॉकवेव जनरेट हुई है. तो वो शॉकवेव क्या मैं यहां पे देख पा रहा हूं? बिल्कुल देख पा रहे हैं दोस्तों अपन शॉकवेव को. तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस इमेज में ये जो तुम रेड पार्ट देख रहे हो, दिस मैसिव रेड पार्ट इज शोइंग दैट शॉकवेव, एंड दिस शॉकवेव इज ऑफ अ साइज बिगर देन द साइज ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. ये 100,000 लाइट ईयर से भी ज्यादा बड़े साइज की शॉकवेव है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. दिस शॉकवेव राइट नाउ कंटेन्स हाई एनर्जी हाइड्रोजन, और उसके कारण ये लाल दिख रही है. नाउ लेट्स कम टू दिस इमेज. इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं जो लाल रंग के हो रहे हैं. इसका मतलब इस क्लस्टर के अंदर अगर मैं इसको रीड करूंगा तो इन दिस क्लस्टर आई कैन इजिली सी दैट दिस राइट नाउ इज द किचन which is preparing lots and lots of stars. यहाँ पे खूब सारे मतलब ढेरों बंच में स्टार्स बन रहे हैं जो कि मुझे इस पर्टिकुलर इमेज में दिख रहा है. क्यों? क्योंकि अगर ये हाई एनर्जी हाइड्रोजन है जो कि शॉकवेव से मुझे रेड दिख रहा है, यानी ये भी कोलेप्सिंग हाइड्रोजन हो सकता है, यानी यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो यहाँ पे तुम देखोगे ऐसे गोल सी है जो कुछ तुमको स्टीम दिख रही है, धुआं गैसे स्टेट में कुछ ऐसा दिख रहा है. एक्चुअली ये जो गैलेक्सी है इसके बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसकी एनर्जी 30-40 बिलियन सन्स के बराबर है, जो सन से बिलियन मतलब 20-30-40 बिलियन जो है मैसिव देन आर सन है, जहां बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है. और वो जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है जब वो फीड कर रहा है, यू नो दैट सुपर मैसिव ब्लैक होल जब फीड करता है, तो जब वो फीड करता है गैसेस पे, डस्ट पे या आजू बाजू का जो भी सामान उसको मिलता है, तो वो उसको इतनी हाई एनर्जी से अपनी साइड खींचता है कि उसका टेम्परेचर खूब ज्यादा हो जाता है. उसके चलते वी गेट अ बर्स्ट ऑफ एक्सरेज एंड हाई एनर्जी रेडिएशन. दैट्स वॉट इज विजिबल हेयर. तो यहाँ पे इस इमेज में मोस्टली वॉट वी आर सींग अ कोलिजन, वी आर सींग अ ब्लैक होल, वी आर सींग फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज फोर आइकॉनिक इमेजेस जो हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिली थी. और एज अ नॉर्मल कॉमन पर्सन आउट ऑफ माई इंक्विजिटिवनेस अगर मैं उनको पढ़ना चाहूँ तो मैं उन इमेजेस को कैसे पढ़ सकता हूँ? आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइज इन वेरी सिंपल टर्म्स. राइट? सो दिस वॉज द इमेज अबाउट दिस स्टीफन क्विंटेट. ये जो था कैरिना नेबुला, दिस इज द फैक्ट्री वेयर स्टार्स आर बीइंग मेड, जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा स्टार्स के बारे में. ये जो है ये एक डाइंग स्टार को हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, बट हियर आई कैन सी द पेयर, एक वन इज डाइंग, द अदर वन इज रिलेटिवली यंग. एंड ये जो स्पेक्ट्रम है विच इज वर्थ 1000 इमेजेस, ये हमें बता रहा है कि हाँ
एक्सोप्लैनेट्स को पढ़कर अब पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, एलियन लाइफ, प्रेजेंस ऑफ वाटर को हम बहुत ही इजीली कंफर्म कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल दोस्तों फ्रॉम माय साइड अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स आइकॉनिक इमेजेस। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना। खुद भी देखो, दोस्तों को भी बताओ। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।